हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, सभी लोग अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स रखते हैं और काफ़ी लोग चाहते हैं कि फ्यूचरिस्टिक जो एक सेक्टर है वो है इंफ्रा सेक्टर, जो कि भारत में रोड्स, ब्रिजेस और बाकी चीज़ें भी काफ़ी बन रही है, तो इसीलिए फ्यूचर है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भारत में रुकने वाला ही नहीं है। इंजीनियरिंग वर्क, रोड्स बनना, ब्रिजेस बनना, ये सब चलते ही रहने वाला है। उसके लिए इंफ्रा के भी कुछ स्टॉक्स हमें हमारे पोर्टफोलियो में रखना चाहिए लॉन्ग टर्म का व्यू रखकर। और मैं आपको ऐसी कंपनी बता रहा हूँ जो कि फंडामेंटली एकदम साउंड है और इसी सेक्टर में काम करती है। इसका आज का क्लोजिंग था 579 रुपीज़ एंड 52 दिखाया था 831 रुपीज़। इसका पी है 9 का, जो कि बहुत रिजनेबल पी पे मिल रहा है। ईपीएस है 60 का, जो कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डनरी है लुकिंग एट द रेट ऑफ ओनली 579 रुपीज़। डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.80। कंपनी पे डेट भी रिजनेबल है। प्रोमोटर होल्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रांग पॉइंट है, 74.50% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है इसके अंदर। एफआईआई का होल्डिंग है 0.75 और डीआईआई का होल्डिंग है 14%, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डनरी है। बात करेंगे क्वार्टर रिजल्ट की, तो मार्च 2021 में प्रॉफिट था 111 करोड़। दिसंबर 2021 में प्रॉफिट था 101 करोड़ एंड मार्च 2022 में प्रॉफिट था 104 करोड़। 111 करोड़, 101 करोड़ एंड 104 करोड़, तो कंपनी भी लगातार बढ़िया परफॉर्म कर रही है। कंपनी का नाम है एच जी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी का नाम है। इस कंपनी के थोड़े बहुत शेयर्स लॉन्ग टर्म का व्यू रख के आप बाय कर सकते हैं, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर्स के शेयर्स में बाय करना चाहते हो तो, क्योंकि ये कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है और अभी सिर्फ 9 के पी पे मिल रही है, तो ये काफ़ी बड़ी पॉजिटिव बात है। तो इस कंपनी को स्टडी करके आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।